डैशबोर्ड खोलने के लिए आपको स्टीयरिंग खोलना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से खुला है, ये जंग लग गया। इसकी डिस्काउंट के बाद ये पड़ा हमें। स्टीयरिंग को कैसे ऊपर करेंगे? यहाँ पर एक लॉक आती है स्टीयरिंग की, यहाँ ये वाइसर आता है इसके अंदर, और फिर इसको ऊपर उठाना है, मुझे ऐसे लगा देना है इसको। ये कट इस लाइन में होना चाहिए, यह सीधा रहना चाहिए इस साइड में। इस छेद के अंदर लॉक लगेगी, कभी भी स्टीयरिंग ऊपर की साइड ना उठे, लॉक हो जाएगी। हाय दोस्तों, कैसे हो भाइयों? अभी हमने इसको ये कपलिंग चेंज कर रहे हैं, तो इसे कैसे खोलते हैं और इसे चेंज कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो के अंदर पूरा बने रहिएगा। और इसको चेंज करते हैं हम, इसको खोलना है हमने पहले, क्योंकि बड़ी मुश्किल से खुला है, ये जंग लग गया। तो हमने क्या किया, एक एसिड की बोतल लिया, जो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो और इसके चारों ओर डाल सकते हो। फिर इसको क्या कि जैसे ये लगा हुआ होता, यहाँ पर ये इस तरह से लगा हुआ था, है ना, तो इसको बड़ी मुश्किल से खोला हमने। ये पिन यहाँ पर रखी और ये जो टामी है बड़ी, इस टामी को हमने यहाँ पर लगाया, इस टामी को हमने इसके नीचे लगा के, और काफ़ी ठोकने के बाद हथौड़ी की मारी चोटें हमने यहाँ पर, तब जाके ये ऊपर की साइड उठा। तो ये बड़ी मुश्किल से खुला है, तो अभी नया लेने जाना है अपने को, तो हम नया लेके आते हैं और वापस ही यहाँ पर लगाएंगे। और कैसे इस प्लेट को खोलना है और कैसे वापस फिट करना है, वो आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो फ्रेंड्स, हम लेके आ गए भाई ये बाज़ार से, मतलब कंपनी में जाके लेके आए थे, 1896 रुपये का मिला, और इसकी डिस्काउंट के बाद ये पड़ा हमें 1850 का, तो 46 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है। और जो कि 10% बताता है कंपनी, तो उस हिसाब से दिया होगा। तो ये नया भाई निकालते हैं हम, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आता है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि यार भाई इसे यहाँ से लगाएंगे कैसे और स्टीयरिंग को कैसे ऊपर करेंगे। स्टीयरिंग भी ऊपर नहीं जाता है, मैं आप सबको बताऊं कि यहाँ पर एक लॉक आती है स्टीयरिंग की, यहाँ एक वाइसर आता है, जो कि हमारे हमने यहाँ पर साइड में रखा हुआ है, ये वाइसर आता है इसके अंदर, तो ये स्टीयरिंग के अंदर लगता है और यहाँ पर लगता है भाई, ध्यान रखना। ये जो अपना सेंसर है ब्रेक का, इसके यहाँ इस यहाँ पर एक लॉक आएगी। अभी क्या कि इसको ऊपर उठा रखी है स्टीयरिंग को, तो वो दिखाई नहीं दे रही है, बाकी एक लॉक आती है, वो लॉक भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ऐसे ही दोस्तों कुछ तार के जैसी लॉक आएगी, तो ऐसे ही सुई लेके आपको उसे निकाल देना, ठीक है। तो अभी वो मिल नहीं रही है, क्योंकि मुझे भी वो टूट गई है, तो उसका जुगाड़ कर करना पड़ेगा, दूसरा तार यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टीयरिंग उससे ऊँची नहीं आती है, तो यहाँ पर पहले लॉक खोल देना है और उसके बाद में ये बोल्ट खुलेंगे भाई, दोनों बोल्ट, है ना, क्योंकि प्लेट लगी होती है ना, ये प्लेट कुछ इस तरह से लगती है यहाँ पर, और यहाँ पर लगने के बाद ये दोनों बोल्टों के अंदर ऐसे लगती है। बाकी इन दो बोल्टों को आपको छेड़ना नहीं है, और ये दो बोल्ट खोल लेने हैं, और फिर इसको ऊपर उठाना है, और कुछ इस प्रकार से जुगाड़ भी कर सकते हैं अगर आपको खुल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर जंग लग जाता है तो टाइट निकलता है, तो यहाँ पर रख के कुछ इस तरह से इसको ठोक लेना है, यहाँ से अंट लगा देना है और अंट लगा के बाहर निकाल देना है। ये देखो हमने भी ठोक के निकाला हुआ है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम ये नया वाला लगाने वाले हैं, तो ये वाला लगा देंगे अभी, तो बने रहिए वीडियो में। यहाँ पर प्लेट लगेगी दोस्तों पहले, और फिर बाद में ये लॉक लगा देंगे नीचे की साइड, कुछ ऐसे लगा देना है इसको, और अभी वापस लगाएंगे इसको अंदर। पहले हम इन दो बोल्ट को टाइट कर लेते हैं एक बार दोस्तों, हम इस पर ग्रीस लगा देंगे, ताकि अगली बार जब हम कभी भी खोलना पड़े तो इतना मुश्किल ना खुले, थोड़ा सा इजी हो जाए हमें खोलने के लिए। तो इस पर हम थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे इसी, बस ये लगे हैं भाई आराम से।
दोस्तों, इसको लगाने के बाद पहले ना ये अपना वाइसर है, इस वाइसर को अंदर डाल देना है और फिर इसको भी लगा देना है। और उसके बाद ये जो यहाँ पर कट लगा हुआ है, ये कट इस लाइन में होना चाहिए जो यहाँ पर बोर्ड लगता है, ये वाला कट। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठा के घुमा देंगे। घुमाने के बाद सीधा ये सीधा रहना चाहिए इस साइड में, ताकि हम जो ये 13 नंबर का बोल्ट आएगा यहाँ पर लगाने के बाद ये लॉक हो जाएगी। और अब क्या करेंगे हम, ये 13 नंबर का बोल्ट है, इसे लगा देंगे। इसे लगाने के बाद दोस्तों इसके चारों बोल्ट वापस लगा देंगे हम, कुछ इस तरह के बोल्ट होंगे, ये वाले बोल्ट वापस लगा देंगे। और आपको दिखा देता हूँ मैं, ये जो वाइसर है, ये वाइसर दिख रहा है, ये वाइसर भाई यहाँ पर ऊपर आएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये जो बोल्ट है लगने के बाद ये जो वाइसर है, ये वाइसर ऊपर आएगा और ऊपर भाई इसके अंदर आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर लगेगा भाई, आपको दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पर आपको ये छेद दिखाई दे रहा होगा, इस छेद के अंदर लॉक लगेगी। तो कुछ इस प्रकार का तार भी ले सकते हो तो इसके अंदर डाल सकते हो यहाँ पर, है ना। तो इस छेद के अंदर आप यह तार घुसा सकते हो, ऊपर वाइसर रखना है, जिससे क्या होगा कि कभी भी स्टेयरिंग ऊपर की साइड ना उठे, लॉक हो जाएगी। तो कहीं भी अगर हम ऊपर की साइड खींचते हैं तो ये ऊपर की साइड ना उठेगी, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वाइसर वापस लगा देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप अपना ये कपलर चेंज कर सकते हो और उसके बाद भाई ये डैशबोर्ड वापस खोल सकते हो। डैशबोर्ड खोलने के लिए आपको स्टीयरिंग खोलना पड़ेगा, यहाँ पर 13 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है ऊपर, है ना। तो इसी तरह से आप कपलर चेंज कर सकते हैं आराम से। और बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।